मैं फर्स्ट ऑफ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेनर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कैरेक्टर आप लेकर हैं मुल्क में? आरती मोहम्मद कैरेक्टर का नाम है। अब नाम ही इतना इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त लगता है मुझे। एक ऐसा कैरेक्टर है, एक हिंदू लड़की है, आरती नाम है उसका, जो हिंदू फैमिली में पली बड़ी हुई, लॉयर है बाय प्रोफेशन, एंड शी फॉल्स इन लव विद अ मुस्लिम गाय, गेट्स मैरिड, बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस व्हेन उसको आना पड़ता है अपने इन लॉज को मिलने। वो आती है सेलिब्रेट करने उनके साथ, जस्ट विजिट करने लंदन से, क्योंकि वो वहाँ पर लंदन में रहती है। तो आती है जब इंडिया बनारस अपने इन लॉज को मिलने, उस समय ये कुछ हादसा हो जाता है फैमिली के अंदर, जिसकी वजह से इंटायर फैमिली को दोषी करार कर दिया जाता है। एंड बिकॉज शी इज़ अ लॉयर एंड बिकॉज शी लव्स हर इन लॉज एंड शी इज़ प्राउड ऑफ देम, शी स्टैंड्स फॉर देम एंड फाइट्स देयर केस। सो ये है बेसिकली आरती मोहम्मद, एक हिंदू लड़की जिसमें सच और झूठ और सही और गलत को परखने की नज़र है, और जिसके लिए ये ज़्यादा मायने रखता है क्या सही है या गलत, रादर देन द रिलीजन। सो या दैट्स व्हाई। देखिए जब एक्सपीरियंस पूछते हैं ना, जब तो ऑब्वियसली अच्छा ही था सारे। अब मैं अगर नहीं भी था तो ऐसा नहीं बोलूँगी मेरे को मेरे को एक्टर के साथ काम करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये वो जो क्वेश्चन है ना, ये ना इरेज होना हो जाना चाहिए पूरी मीडिया से कि आपको इनके साथ काम करके ऐसा कैसा लगा, वरना मैं आंसर करूँगी अच्छा था। तो क्या दोनों भाई हैं क्या? नहीं है, दोनों ही लेजेंड हैं, दोनों ही अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों ही ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपके एक्टिंग को तो बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है। अभी पिक्चर रिलीज कब हुई है? पहले जो भी आपने मूवी की है उसमें आपकी एक्टिंग को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है। हाँ जी, उसमें आप कोरियोग्राफर भी बने हैं। कोरियोग्राफर इसके अंदर हम सब कोरियोग्राफर थे, क्योंकि इसके अंदर हमें बोला गया हमारे पास बजट नहीं है कोरियोग्राफर का, तो खुद ही करना है सब कुछ। नहीं एक्चुअली इस पिक्चर के अंदर एक गाने वाने हैं नहीं, कुछ एक गाना है छोटा सा जिसके अंदर फैमिली कुछ साथ में मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करी एक फैमिली मेंबर का। तो अनुभव सर अपने गानों के लिए जाने जाते हैं, तो बट उनका कहना था कि मैं इस पिक्चर में कोई कोरियोग्राफर नहीं लाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए जैसे कि एक होम वीडियो की तरह सब ने मिलके एक कुछ आपस में गाना गाया, खुद ही आपस में डांस किया। तो हम सब ने अपने अपने स्टेप्स खुद कोरियोग्राफ करें और खुद डांस किया अपने अपने स्टेप्स पे। वो शूट भी ऐसे हुआ जैसे कि कोई हैंड हेल्ड वीडियो कैम से शूट कर रहा है, जो फैमिली साथ में मिलकर गाना वाना गा रही है। कोरियोग्राफ नहीं है कुछ भी ऐसा, मतलब कि सिंक में सारे नाच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसके पहले बहुत सारे नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहे हैं, पहले ट्रेलर को नहीं, ट्रेलर के बाद ट्रेलर को नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा। बहुत सारे जो हमने सवाल उठाए हैं उन पे लोगों को नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, रिलीज के पहले इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है? व्हाटएवर पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली एज आई सेड ट्रेलर को नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा। कुछ जो लोग हैं जिनके कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जिन लोगों की ऐसी सोच है ना उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, गेट वेल सून और 3 अगस्त को पिक्चर देखना। ओके, ये मूवी में मैम आपके कैरेक्टर को बहुत ही देखा जा रहा है कि बिग बी जो अमिताभ जी की पिंक मूवी में बहुत ही रिलेट किया जा रहा है, तो आपने कोई रेफरेंस लिया तो मूवी से? रेफरेंस नहीं लिया था, बट क्योंकि वो माहौल जो था कोर्टरूम का वो एक्सपीरियंस कर चुकी थी पहले, तो फेमिलियर था थैंक गॉड, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटिमिडेटिंग थी पिक्चर में, तो शुक्र है माहौल तो मैं पहले देख चुकी थी पिंक में। दूसरा उनकी जो परफॉर्मेंस थी ना बच्चन सर की पिंक में, वो एक बेंचमार्क थी, तो मैंने उसको कॉपी करने की कोशिश तो नहीं करी है, बट हाँ कुछ हद तक ये कोशिश करी है कि ये सोचूं कि ये बेंचमार्क है, अब मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी करके इनके इर्द गिर्द भी आ गई ना तो बहुत सक्सेसफुल होंगी। तो वो एक तरह से एक आइडलाइज करके एक बेंचमार्क रख के दिमाग में ये परफॉर्मेंस दी है मैंने। ये मूवी क्लैश भी होने जा रही है, कारवा मूवी आ रही है इरफान जी की और एक मूवी आ रही है उसके बाद क्लैश, दो ही दिन की मूवी का आपको नाम ही नहीं पता, आप कौन सी पिक्चर आ रही है? मुझे तो एक ही पता है, एक ही आ रही है, मुल्क आ रही है 3 अगस्त। सर दो ही दिन के इम्पैक्ट हो, क्योंकि फने खान भी आ रही है, कमबैक आ रही है, मुझे नहीं पता, मेरे को तो यही पता है मुल्क आ रही है। ओके, आपकी बर्थडे भी आ रही है उसके मूवी के रिलीज के पहले, एनी स्पेशल प्लान? स्पेशल प्लान ये है कि यूजुअली मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं अपने बर्थडे पे काम नहीं करती, ये मेरी नेशनल हॉलीडे होती है खुद के लिए, तो बट इस बार ही ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रमोशन है, तो वो करूँगी अपनी पिक्चर के लिए,
बस ये डिफरेंट होगा इस साल बर्थडे में, बाकी एक साल और बुढ़ी हो जाऊंगी उस बात का बड़ा गम है। मेरे को कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखती हूँ, तो इसलिए होपफुली कोई स्पोर्ट्स बायोपिक करने का मौका मिले तो अच्छा लगेगा। ओके, लास्टली 3 अगस्त को मूवी रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे फैन को? मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये हमारे समय की कहानी है, आपके और मेरे बारे में है। कुछ ऐसे सवाल उठेंगे जो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे देखने को और सोचने को, जो आपको सोचने पे इतना मजबूर कर देगी, तो एक बारी मौका दीजिए आज की स्टोरी देखने का और अपने आप पे एक फेवर करना। कहते हैं ना, डू अ फेवर टू योरसेल्फ, गो एंड वॉच दिस फिल्म, बिकॉज ये आपके मुल्क के बारे में है। किधर देखूं? ढेर सारे वायरल किए जा रहे हैं, ढेर सारी बातें हो रही है, ढेर सारी पब्लिसिटी हो रही है, चाहे वो पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी को, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को एज ए डायरेक्टर? आप जिस फिल्म में विश्वास करके इतना समय लगाते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, उसके ट्रेलर को देख के लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत इनकरेजिंग है। और बातें करिए, फिल्म देखने के बाद मेरी उम्मीद है कि आप इससे भी ज़्यादा बातें करेंगे, वो और वेलकम है। सर, आपने मूवी में पहले ही आपने कास्ट करने के सोच रहे थे तापसी जी को और ऋषि जी को, क्या जैसे जैसे आपने स्क्रिप्ट लिखना चालू किया वैसे आप सोच रहे थे? तापसी सबसे पहले सोच लिया था, तापसी और मैं बात कर रहे थे कुछ और भी काम करने के साथ में, उस बीच में ये कहानी दिमाग में आई तो मैंने तापसी को कहानी सुना दी थी। तो लिखते वक्त वो थी दिमाग में और लिखते वक्त ऋषि जी दिमाग में आए, तो स्क्रिप्ट ख़त्म होने के बाद सबसे पहले तापसी को पढ़ाई थी मैंने, उसके बाद ऋषि जी को, और थैंकफुली जितने भी एक्टर्स को मैंने अप्रोच किया अलग अलग रोल्स के लिए, वो सब इस फिल्म को करने को तैयार हो गए। ऐसे में फिर आमतौर पर ये परेशानी कभी कभी आ जाती है जब इतने सारे एक्टर्स होते हैं कि डेट्स मैच नहीं हो पाती, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो भी हो गया। तो वो इस फिल्म की खुशनसीबी थी कि उसको इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स मिले, वो एक्टर्स जो मैंने सोचे वो सारे एक्टर्स मिले और वो शेड्यूल में सब फिट भी हो गए। ओके सर, ट्रेलर के बाद बहुत जन अप्रिशिएट भी किया कर रहे हैं ट्रेलर को, पर कहीं ना कहीं बिफोर रिलीज नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी बहुत मिल रही है कैरेक्टर को लेकर या थोड़े स्टोरी को लेकर, तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं है, कुछ लोग बहुत पॉलिटिकली देख रहे हैं फिल्म को, ये पॉलिटिकल फिल्म है नहीं, ये एक बहुत इमोशनल फिल्म है, कोर्ट रूम ड्रामा है, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में है जो मुझे और आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितनी भी पॉलिटिक्स सोच रहे थे इस फिल्म के बारे में वो गलत थी, क्योंकि इस फिल्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत से जन सर ऐसे भी कहा जा रहा है कि आपको स्पेसिफिकली आपको टारगेट किया जा रहा है कि आप एंटी हिंदुइज्म हैं ये मूवी ट्रेलर के बाद, तो वो लोगों को क्या कहना चाहिए आप, क्या ऐसे ऐसे आप कमेंट किया जा रहा है आपके ऊपर? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जय श्री राम। ओके सर, ये मूवी और भी बड़े बड़े वो लोग जो थे, कुछ ऐसे 10-20-50 लोग थे जिन्होंने YouTube पे और Twitter पे मुझे एंटी हिंदू बोला, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जय श्री राम। ओके सर, आपकी मूवी फन्ने खान और कारवा के साथ क्लैश करने जा रही है, बहुत टाइम के बाद आ रही है ऐश्वर्या जी की कमबैक मूवी है, सो डू यू थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट होगी ये मूवी को? एज अ डायरेक्टर आप कैसे देखें?
देखो आज के दौर में फिल्में अकेली रिलीज़ नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में अकेली रिलीज़ नहीं होती हैं। तो जब हम ये फिल्म बनाने निकले थे तभी हमें इस बात का एहसास था कि कोई ना कोई फिल्म तो साथ में आएंगी, और ये सब जानते सोचते समझते हुए कि इस तारीख को कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं, हम लोग सब साथ में आ रहे हैं और कोई इसको क्लैश बोलना ज़रूरी नहीं है। तीनों फिल्मों का साइज़ और बॉक्स ऑफिस की कैपेसिटी इतनी है कि तीनों फिल्में आराम से साथ में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ओके सर, आप मूवी के साथ जो भी एक जो मैसेज देना चाहते हो बहुत ही बखूबी लोगों तक पहुंचती है, कोई ऐसे एक सब्जेक्ट आपके दिमाग में हो जो आप फ्यूचर में एक्सप्लोर करना चाहें या दर्शकों को दिखाना चाहें? मुझे पता नहीं ट्रेलर से क्या मैसेज पहुंच रहा है लोगों के पास, मैं तो कोई मैसेज देना नहीं चाह रहा। मैं तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम ड्रामा बनाया है जो एक ऐसे विषय के इर्द गिर्द घूमता है जो हमारे जीवन की रोज़मर्रा के जीवन से के आसपास से गुज़रता है। फिल्म कुछ सवाल उठाने की कोशिश ज़रूर करती है लेकिन फिल्म कोई जवाब देने की कोशिश शायद नहीं कर रही है। उन सवालों के जवाब लोगों के पास, आपके पास, मेरे पास अपने व्यक्तिगत जवाब होंगे, और अगर वो सवाल मैं आप तक पहुंचा पाया इस कहानी के माध्यम से तो वो मेरी विजय होगी। ओके, लास्टली सर, 3 अगस्त को मूवी रिलीज़ होने चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है, वो जाके देखें थिएटर्स में 3 तारीख को। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी इमोशनल कहानी है, और वो कहानी देखते हुए कुछ और भी आप लेके अगर आएँ थिएटर से तो वो फिल्म की सफलता होगी। तो ज़रूर जाएं देखें ऐसी फिल्म। ये वो फिल्म है जो मैं हमेशा हर फिल्म के लिए नहीं, अपनी हर फिल्म के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये एक ज़रूरी फिल्म है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू। मैंने चप्पल कहाँ उतार दी है? यस नम्रता जी, या कूल। हाँ जी बिल्कुल। All positive comments and positive feedback. लोगों को एक बहुत prominent feedback है कि आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरी, और intensity काफ़ी बेहतरीन लग रही है, और and overall trailer, overall film बहुत ही अच्छी लग रही है, exciting लग रही है, और so feedback has been positive, I think fairly positive. Haan ji. Okay, tell us something about the character you are playing in the movie. I'm playing, my character's name is Shahid Mohammed. मैं एक आतंकवादी का किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, लेकिन ये पहले से आतंकवादी नहीं है और ये जानबूझ के नहीं बनता है, ये बुरे भरे हालात की वजह से वो एक ये बहुत ही ख़तरनाक जाल में फंस जाता है ये। एंड बाकी आप फिल्म देखिए, जानिए कहानी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और मेरे लिए आज तक आई थिंक सबसे कठिन कैरेक्टर था मेरे लिए खेलना। एब्सोल्युटली आई थिंक वो मिसगाइडेड यूथ है, एक मैं कहना चाहूँगा मिसगाइडेड यूथ तो है ही, लेकिन ये जो जनरली मिसगाइडेंस होता है यूथ में वो बहुतों के साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है, और मैं इस चीज़ को मैं रेजोनेट कर पाया थोड़ा बहुत कि मिसगाइडेंस इस कैरेक्टर को भी है, मेरे में है, मैं शायद अपने खुद के
खुद के जीवन से थोड़े बहुत मैं हिस्सा ले लूँ इस कैरेक्टर के लिए. बट डेफिनेटली इट विल रेजोनेट विद द यूथ एंड वो समझ जाएंगे कि ये गलत है. ऑब्वियसली हम जानते हैं ये गलत है कि रास्ता गलत है, लेकिन आई थिंक मिसगाइडेंस तो होता ही है. ठीक है, वो फंस जाते हैं कहीं मिसगाइड होके, लेकिन एक सही जानकारी होना सही और गलत के बारे में ये बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक ये बचपन में सिखाया जाना चाहिए और हैमर की तरह उसको हैमर करना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, और जो कुछ भी हो आपको सही ही करना है. तो आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. लेकिन ये अंग्रेज़ी में कहते हैं वी कैन ब्रिंग द वाटर टू द हॉर्स बट देन इट्स अप टू द हॉर्स टू ड्रिंक दैट वाटर. सो एक सेल्फ विल की भी बहुत ज़रूरत है कि तुम्हारे आगे ऑप्शंस आए गलत और सही. और गलत अगर आपको लग रहा है कि गलत आपको मन की शांति देगा या और तुम्हारे बेहतर लगेगा, फिर भी एक वो सेल्फ विल होना चाहिए कि नहीं मैं सिर्फ सही करूँगा. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है. और ये ये बहुत डीप रूटेड है. आई थिंक बचपन में अगर ये वैल्यूज़ इंस्टिल किए जाए तो शायद हम इस मिसगाइडेंस को कर्ब कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं मेरे ख्याल से. Where you want answers and you want to ask questions and you want to ask the right questions and you want the right answers, you know, and anything issue based like that is something that I would dive into. So it could be, I mean, like this, an issue of terrorism and world, you know, it's a world peace and it's a world issue. Just khun kharaba, ek world issue sirf hamare desh mein issue nahi hai. So, I guess another one would be maybe homosexuality, I think that's the only one I can think about right now is homosexuality, which is very similar to our topic, which is why this turmoil and filth in our world, and why not just live and let live, you know. Jio aur jine do, aur bilkul unke un homosexuals ke liye or the same thing applies. You have to live and let live. They are people. They are like Muslims. They are people. We cannot just pinpoint fingers at them. We cannot just pinpoint fingers at a homosexual person just because he has a different, अगर उनकी चाह अलग है. आई गेस दैट्स द वन टॉपिक आई कैन थिंक अबाउट राइट नाउ इज. यार ये ना मुझे किसी और ने पूछा और मैंने अमिताभ बच्चन बोला, अमित सर बोला मैंने, बट आई मीन व्हाई नॉट, ही लुक एट हिम, look at the life he's lived, look at that graph, look at the ups, look at the downs, look at the kind of man he is. He's so inspiring, he's so well read, he's seen it all, you know, and he's still seeing more, you know. And lekin ek tha ki main bahut matla hu aur wo bahut lambe hain, to shayad agar main inshallah mujhe agar bola bhi jaye ki yaar aapko amit आपको अमित जी का बायोपिक करना है, तो मैं प्लीड करके बोलूँगा प्लीज़ मुझे हील्स दे दो,
ताकि मैं उनके जैसा लंबा दिख सकूँ. बट नो जोक्स अपार्ट, मिस्टर बच्चन, मिस्टर बच्चन इज our hero, you know. He's our hero. He's the industry's hero, you know. Obviously, the finally your movie is getting it on 3 August. So, what do you like to say to the audience, to your fans? बिल्कुल 3 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है हमारी मुल्क. प्लीज़ जाके देखिएगा. ये फिल्म हमारे बारे में है, इंसानों के बारे में, और हमारे हमारे आसपास जो माहौल है उसके बारे में. प्लीज़ जाके देखिएगा और I hope you'll like it. 3rd August, Mulk. Thank you, thank you, thank you so much.